हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए गोल्ड कॉइन। ये मैंने ब्रेड से बनाए हैं और एक स्वीट डिश है, आशा है आप सबको पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि गुप्ताज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोल्ड कॉइन्स। इसके लिए मैंने ब्रेड को राउंड शेप में काट लिया है। ये फ्रेश ब्रेड ली है मैंने, ये वाइट ब्रेड है, आप ब्राउन का भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने दूध लिया है थोड़ा सा, आधा कप के करीब। डेकोरेशन के लिए कैशू है, कोकोनट पाउडर है, गोले का बुरादा और एक कप चीनी ली है। चीनी की चाशनी बनाएंगे और इतना ही हम पानी लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। मैं गैस पर कढ़ाई रख के ये देसी घी में हम बनाएंगे, क्योंकि मीठी चीज़ देसी घी में अच्छी बनती है। इधर मैं चाशनी बनाने रख रही हूँ, इस गैस पर मैं चाशनी बनाए रख रही हूँ। इतना पानी लिया है जितनी चीनी है, और इसको एक बॉयल देंगे बस। इसको एक तार की चाशनी नहीं बनाना है हमने, खाली चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और एक दो बॉयल आ जाए, बस इतना ही पकाना है। अब हम इधर इसका तैयारी करते हैं। मैं पहले इनको डिप करूंगी, देखिए अच्छे से स्क्वीज आउट मिल्क कर दूंगी और मैं इनको डीप फ्राई करूंगी। देखिए ऐसे ऐसे करने से ये घी कम सोखते हैं। आप डायरेक्ट डालेंगे तो घी बहुत सोख कर लेते हैं ब्रेड। तो दूध में डालिए, इसको स्क्वीज करिए, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। ब्राउन हो जाएंगे एक साइड से, हम साइड चेंज कर लेंगे। आप देखिएगा कि इसमें ये बहुत कम घी को सक करेंगे और टेस्ट भी इसका डिफरेंट होता है। डायरेक्ट बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तल गए हैं, कितने कलर ब्राउन आ गया इनका, बिल्कुल गोल्डन। मैं स्लो गैस पे सक कर रही थी इनको, अब मैं इनको एक एक करके निकाल लेती हूँ। देखिए बाकी के मैं चार और डालती हूँ, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका। मैं बाकी के चार और डालती हूँ तलने के लिए। इनको स्लो गैस पर ही, एक पहले शुरू में तेज करके तो स्लो पे सेकिए, बहुत अच्छा कलर देते हैं, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। एक स्वीट डिश बन जाएगा आपका। देखिए सब मैंने तल के तैयार कर लिए हैं, इतना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब मैंने चाशनी भी मेरी जब तक तैयार हो गई है, इसको मैंने पका लिया है थोड़ा। एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस पकाना है। अब मैं सबको डिप करती जाऊंगी एक एक करके। डिप करके मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए सब मैं निकालती जा रही हूँ डिप करके। एक बहुत अच्छी स्वीट डिश बन जाती है होममेड। ब्रेड मोस्टली घर में होती है, बिना किसी हैसल के आप इसको बना सकती हैं।
तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको सर्विंग के लिए प्लेट में लगा रही हूँ, डेकोरेट थोड़ा करूँगी। इसमें आप चाहे तो कोकोनट डाल दीजिए बुरादा, थोड़ा थोड़ा कोकोनट पाउडर डालेंगे हम इसमें। हाथ से स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं। कोकोनट का फ्लेवर भी अच्छा लगता है और डेकोरेटेड अच्छा भी लगेगा देखने में, सर्व करने में। इसमें आप फ्रेश मलाई भी लगा सकते हैं अगर उसी से मैं आपने सर्व करना है तो, नेक्स्ट डे करना है तो आप इसमें ये लगा लीजिए कोकोनट। थोड़े से कैशो से सजा देते हैं हम इसको। देखिए हमारी होगी कितनी टेस्टी स्वीट डिश तैयार। एक आप देखिए कितना अच्छा बना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि मेरी सब नई रेसिपीज आपको पता लगती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।